लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कौन हो तुम लोग? किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। राम साधो कुत्तो, तुम लोग हो कौन? हटाओ तुम्हारे ये बंदूकें। तुम लोग मेरे हाथ खोल के देखो, मैं कहता हूँ तुम लोग कौन हो? राम साधो हटाओ, हटाओ ये बंदूकें। तुम लोग हो कौन? तुम सर जॉन के यहाँ हो, तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला सर जॉन करेंगे। मैं सर जॉन के चमचे, आज तक उसका माल लूटा है, आज उस रामजादे को भी देख लूंगा। छोड़ के तो देखो मुझे, मरने तो छोड़े मुझे। आजी सूर्यकांत सर जॉन, बहुत दिनों से मुझे तेरी तलाश थी टीनू। तेरी आंखों ने हमारे चुराए हुए हीरो की चमक बहुत देखी है, लेकिन अब हम तेरी आंखों का ऐसा हाल बना देंगे कि आज के बाद तेरी आंखें कुछ नहीं देख पाएंगी। इसको उठाकर समुंदर में फेंका, ताकि इसका गंदा मांस मछलियां और समुद्री जानवर नोच नोच के खा लें। यू आर अंडर अरेस्ट आईजी सूर्यकांत शर्मा। कौन हो तुम? आईजी के घर में इस तरह तुमने आने की हिम्मत कैसे करी? आईजी के घर ना सही, लेकिन अपने अंकल के घर तो आ सकता हूँ। अरे तू देख क्या रहा है, चल जा मेरे सीने से आ जा। नहीं बेटा, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो पाँव नहीं छूते, सीने से लग जाते हैं। बड़े तो सभी होते हैं, लेकिन कोई बड़ों से बड़ा कभी नहीं होता। कमाल कमाल जीता, फक्र है मुझे तुझ पर। आज अगर भैया भाभी जिंदा होते तो अपने सपने को सच होता देखकर कितना खुश होते। अच्छा ये तो बताओ कि तुमने आते ही पहली हथकड़ी हमारे सामने क्यों कर दी? क्योंकि आप एक बहुत बड़े मुजरिम हैं। क्या जुर्म हुआ है हमसे? अरे दो प्यार करने वालों को आपने इतनी दूर इतने दिन रखा। हाँ भाई, ये जुर्म तो हुआ है हमसे। अब तुम दोनों की शादी करवा के अपने जुर्म का जुर्माना भर देते हैं। हाँ। है? और उस जुर्माने की पहली किश्त अभी अदा कर देते हैं। वो कैसे? अपने प्यारे भतीजे को उससे मिलने की इजाज़त देकर। ओ अंकल यू आर ग्रेट। अरे अरे कहाँ जा रहा है वो? उससे मिलने। हाँ लेकिन कपड़े वपड़े तो बदलो। नहीं अंकल, आज मुझे उसे बताना है कि अब मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। राइट। निशा, 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 कहाँ चले गए ये लोग? हेलो। अरे निशा, मैं आनंद बोल रहा हूँ। मेरी जाने बाहर गुले गुलजार, कैसी हो तुम? तुम्हारा ये आशिक पुलिस वाला बन चुका है। मैं तुम्हारे घर भी गया था, तुम लोग थे ही नहीं, कहाँ गए थे? अरे निशा, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? बोल भी तो जाने मन, हम तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तरस चुके हैं। अरे निशा, निशा, पापा, बेटी, किसका टेलीफोन था? आनंद का। मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ। लाइन कट गई थी यार,
अच्छा अभी तुम कुछ मत बोलो, मैं अभी आ रहा हूं तुम्हारे पास। क्या बात है निशा? आनंद का फोन था, वो मुझसे मिलने आ रहा है। तो दीपक तुम्हें याद है बचपन में हम गुड्डे गुड़िया का खेल खेलते हुए ऐसी बातें किया करते थे जैसे हम दोनों में बहुत प्यार हो। आज फिर वही खेल खेलना है, फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त उस खेल के गवाह हम दोनों थे और आज आज उस खेल का गवाह आनंद होगा। निशा तुम्हें मेरी याद आती थी? याद तो उसे किया जाता है जिसे कोई भूला हो। दिल तो वही था तुम्हारे पास, यहाँ तो सिर्फ धड़कन थी जो हर घड़ी तुम्हारे नाम का संगीत सुनाती थी। मेरी आंखों के सामने भी हर वक्त तुम्हारा ही चेहरा रहता था और अब मैंने फैसला कर लिया है इस चेहरे को मैं अपने से एक पल के लिए भी दूर नहीं होने दूंगा। कैसे? शादी के बंधन में बांधकर हमेशा के लिए अपने साथ अमेरिका ले जाऊंगा। ओ दीपक, आई लव यू टू निशा। आज की दुनिया में इंसान इतनी जल्दी अपना चेहरा बदल लेते हैं ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। जो कुछ तुमने इससे कहा वो कभी मुझसे भी कहा था। अरे क्या कमी थी मेरे प्यार में जो तुमने मेरा साथ छोड़कर इसका हाथ थाम लिया। कौन है ये निशा? मेरे कॉलेज का एक साथी, हम लोग साथ साथ पढ़ते थे। क्या हम सिर्फ साथ साथ ही पढ़ते थे? इसके अलावा तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं था? कॉलेज में साथ पढ़ने वालों का रिश्ता सिर्फ दोस्ती का होता है और कुछ भी नहीं। मेरी तरफ देख कर बात करो, अगर आंख नहीं मिला सकती तो अपने दिल से पूछो कि क्या रिश्ता था तुम्हारे और मेरे बीच। काश मुझे पहले मालूम होता कि जिसे मैं मोहब्बत की देवी समझता था वो बेवफाई की ऐसी तस्वीर है जिसके सब रंग झूठे हैं। बेवफा, मॉर्निंग सर। आनंद तुम, क्या बात है? सर मैं अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने आया हूं, आप मुझे कोई ऐसा काम दीजिए जिसमें खतरा ही खतरा हो। पुलिस की नौकरी तो होती ही है खतरों से खेलने के लिए। मौत हमेशा साए की तरह साथ रहती है। साए की तरह नहीं, धड़कन की तरह मौत को अपने साथ रखना चाहता हूं। वेरी गुड, मुझे यकीन है कि तुम पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत नाम कमा गए। बैठो। थैंक यू सर। मैं तुम्हें एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल केस दे रहा हूं आनंद। ये फाइल सीबीआई ऑफिसर नीलकंठ साहे की है। वो सर जॉन टीनू और पीटर गोंजाल्वेस तक पहुंचना चाहता था लेकिन न जाने कुछ ही दिनों से लापता है। सर जॉन के जो 50 करोड़ के हीरे इंडिया आए थे, नीलकंठ साहे उन हीरो के बारे में सब कुछ जानता है, इसलिए हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है वो, क्योंकि हम सिर्फ नीलकंठ साहे के जरिए उन हीरो तक पहुंच सकते हैं। मुझे करना क्या होगा? वो आदमी कहां है इसका तुम्हें पता लगाना होगा और उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन तुम्हें मिले उसकी खबर किसी और को नहीं सिर्फ मुझे दोगे। सर उस आदमी की आखिरी सूचना आपको कहां से मिली थी? वायरलेस पर, रेती बंदर से। Ah!
के लिए काम करता हराम साते बता वरना मैं तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। किडी साहब के लिए कहाँ मिलेगा ठीक हूँ? उसका पता सिर्फ किडी ही बता सकती है। किडी कहाँ मिलेगी? वो ब्लू मून होटल की डांसर है, हर शाम 8 बजे वो वहाँ डांस कर रहती है। गुड बॉय, चल अब देखता हूँ। अबे ओ टीनो के चमचो, कहाँ गया वो तुम्हारा सपेरा टीनो? मर गया क्या? नहीं, टीनो तब तक नहीं मर सकता जब तक उसे हीरे नहीं मिल जाते। लोहे से भी सख्त जान है इस टीनो वर्मा की। अरे टीनो, तेरे आँख को क्या हो गया? कौवा ले गए क्या? ये हीरो के चक्कर में सर जॉन ने छीन ली। मुझको मिटा सके ये सर जॉन में दम नहीं। वाह टीनू वाह, क्या डायलॉग मारा है, थोड़ी सी एक्टिंग भी सीख ले, शायद किसी नौटंकी में चांस मिल जाएगा। चकार तो टीनू के सामने इतनी बकवास करके तो इसलिए जिंदा है क्योंकि हीरो वाली गुड़िया हासिल करने के लिए मुझे तेरी जरूरत है। बस एक बार गुड़िया मिल जाने दे, फिर देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। ए, खोल के लाओ इस जोकर को मेरे साथ, अब हमें वहां जाना है जहां वो हीरो वाली गुड़िया है। टीनू, स्मगलिंग करने से पहले तुम किसी बंगले की चौकीदारी करते थे क्या? क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं कर रहा हूँ, पिछले आधे घंटे से तुम इस बंगले की चौकीदारी ही तो कर रहे हो। अगर डॉल ढूंढनी है ना तो बंगले के अंदर जाओ, यहाँ सिगरेट पीने से क्या फायदा है? अबे अकल के अंधे, लड़की का बाप घर से बाहर जाएगा, उसके बाद हम घर में जाके पूरा खर्चा मारेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, ऐसी मेहनत करो, थोड़ी कमर हिलाओ कमर, तभी तरक्की कर पाओगे। 50 करोड़ के हीरे की बात है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। वो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। हाँ, लेकिन कभी कभी ज्यादा गुड़ खाने से डायबिटीज भी हो जाती है, जो आदमी की जान लेती है जान। चुप भी बैठेगा या नहीं? अरे मुझे चुप करने से डायबिटीज थोड़ी रुकेगी, वो तो होगी। चुप काले कौवे, बुढ़िया का सवाल ना होता तो तुझे जान से मार देता। देख लड़की का बाप गया कि नहीं? पापा की परफ्यूम की खुशबू। पापा? हाँ, हाँ। क्या बात है पापा, आज आप ड्यूटी पे नहीं गए? तुझे रात को अकेले में छोड़कर जाने को दिल नहीं मानता, और फिर तूने आज रामू और लक्ष्मी को भी छुट्टी दे दी। आप फिक्र क्यों करते हैं पापा, अब तो मुझे आदत सी पड़ गई है, इस घर में कौन सी चीज कहाँ पर है मैं सब बता सकती हूँ। बेटी, ये बेजान चीजें तेरा अकेलापन तो नहीं बांध सकती। देखिए पापा, अब बहुत हो चुका, ये रही आपकी कैप, लीजिए और ऑफिस जाइए। लेकिन बेटी, लेकिन कुछ नहीं, आपको मेरी कसम। अपनी कसम मत दे बेटी, तू जो कहेगी मैं मानूंगा, पर अब तुझे भी मेरी एक बात मानना पड़ेगी कि आज के बाद तू मुझे अपनी कसम कभी नहीं दिलाएगी, समझी? सीढ़ी, हाँ, अपना ख्याल रखना, और अगर कोई भी बात हो तो मुझे ऑफिस में टेलीफोन कर देना। ये दरवाजा अंदर से ठीक तरह से बंद कर देना।
हाँ?